चलिए सबको नमस्कार है। और आज जो सातवें फेज का एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसमें पूछे गए पहले शिफ्ट के, जो दो शिफ्ट हुए हैं आज के दिन में, पहले शिफ्ट के क्वेश्चन का हम डिस्कशन आपको करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की दुनिया में पहला प्रश्न आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, ये पहला प्रश्न आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, कितना बार हम यहां पर करवा चुके हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, ध्यान दीजिएगा कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। कई हजार बार हमने इस क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। और यहीं पर याद रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। एक बात यहीं पर और याद रखिएगा कि 1935 को जो आरबीआई की स्थापना हुई थी किस एक्ट के तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में इनकी स्थापना हुई थी। और एक बात और याद रख लीजिएगा आप यहां पर, आरबीआई के वर्तमान में कौन है गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा यहां पर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन किस नंबर के राष्ट्रपति है। हाल ही फिलहाल में 2021 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका स्थान लिया किसने, जो बाइडेन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्थान लिया कौन, जो बाइडेन ने। और ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति थे, कितने नंबर के, 46वें नंबर के, कितने नंबर के, 46वें नंबर के ये राष्ट्रपति थे। और किस पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से, किस पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से। अमेरिका में दो पार्टी, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ध्यान दीजिएगा 46वें नंबर। और फिर एक बात यहीं पर और याद कर लीजिएगा आप कि भारतीय मूल की वहां पर हाल ही फिलहाल में उपराष्ट्रपति बनी है, कौन बनी है, कमला हैरिस, जो कि 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है, कौन भाई, कमला हैरिस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है भाई, डॉगलस इंगेलबर्ट ने किस कंप्यूटर उपकरण की आविष्कार किया था, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है, और इन्होंने आविष्कार किया था कंप्यूटर का सबसे बेहतरीन दिखने वाला आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वह है माउस का इन्होंने आविष्कार किया था, किसका भाई, माउस का। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न, भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णित है, कई हजार बार हमने आपको बताया है आर्टिकल एक के बारे में, कितना, आर्टिकल वन के बारे में हमने बताया है, इंडिया दैट इज भारत सेल्विया यूनियन ऑफ स्टेट, इसी में यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत राज्यों का संघ है इसकी चर्चा है। और आर्टिकल दू भी आप याद रखिएगा, आर्टिकल दो भी नए राज्यों का प्रवेश, और आर्टिकल तीन राज्यों के नामों में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस, कई हजार बार हमने आपका आपको इसका जवाब बताया है, विश्व रक्तदाता दिवस कब भाई 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। और विश्व क्षय दिवस यानी ट्यूबर क्लोसिस डे, विश्व क्षय दिवस यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। अगला प्रश्न क्या है, केंद्र द्वारा प्रायोजित हाथी परियोजना को कब लॉन्च किया गया था, याद रखना है 1992 में यह हाथी परियोजना लॉन्च किया गया था, कब, 1992 में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, परमाणु ऊर्जा संबंधित, क्या, पोखरण परमाणु परीक्षण केंद्र किस जिला में स्थित है, राजस्थान के किस जिला, एक्चुअली में क्वेश्चन था कि पोखरण परमाणु केंद्र राजस्थान के किस जिला में स्थित है, याद रखना है जैसलमेर जिला। ठीक है, जैसलमेर जिला। और कब हुआ था पोखरण परमाणु परीक्षण, 1974 को, ध्यान दीजिएगा। एक और प्रश्न क्या है भाई, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ जो कि चार धामों में से एक है, केदारनाथ ये कहां पर स्थित है, कहां पर, उत्तराखंड में। ठीक है, केदारनाथ उत्तराखंड में। इसी प्रकार आपको याद रखना है 12 वो ज्योतिर्लिंग के भी बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए,
क्या भाई, शिलोंग किस पर्वत पर स्थित है? शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है, कहां की राजधानी है? शिलोंग मेघालय की राजधानी है। ऑब्वियसली है कि मेघालय में ही पर्वत कोई होगा, उसी पर स्थित है। तो ये जो शिलोंग है किस पर्वत पर स्थित है, जल्दी से एक बार बता दीजिए। तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। आपको याद रखना है मेघालय में तीन महत्वपूर्ण हिल्स है, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी और जयंतिया ये कहां पर है? खासी हिल्स पर है, खासी, ठीक है, खासी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत शानदार जबरदस्त। जो लोग क्रिकेट से जुड़े होंगे, कौन? जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक। बेन स्टोक किस देश के खिलाड़ी है? किस देश के खिलाड़ी है? तो ये है आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी, इंग्लैंड के ये खिलाड़ी है। और 12वां नंबर प्रश्न क्या है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक? तो ये थे चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। कई बार हमने इनके अभिलेख के बारे में भी बताया था, एहोल प्रशस्ति यानी एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख जिसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख के द्वारा हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय हराता है, इसकी जानकारी भी हमको मिलती है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है भाई, प्रत्येक दिन आपका 4 बजे से हमारा क्लास चलता है इसी YouTube चैनल पर, एसके झा YouTube चैनल पर। प्रत्येक दिन 4 बजे से हमारा क्लास चलता है, आप लोग उस क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि कल के क्लास में जो हमने एक घंटा का क्लास करवाया और 80 क्वेश्चन हमने करवाया, उससे आज के इस पहले शिफ्ट में खास करके 10 से 12 क्वेश्चन हूबहू आया, हूबहू 10 से 12 क्वेश्चन आया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एल्यूमिनियम के धातु पृष्ठ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के, एक मिनट सब कोई रहिएगा लाइन पे भाई, लाइन पे रहना है, थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट हुआ है, बस ध्यान देना है। यहां पर आपको याद रखना है, देखिए केमिस्ट्री में ये प्रश्न पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्या, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का धातु है, उसके पृष्ठ पे क्या होता है, ऑक्सीजन यानी कि एयर के ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करके एक परत बना लेती है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ध्यान देना है, एनोडीकरण कहते हैं। क्या? एनोडीकरण। इसको क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड, एमएस वर्ड में आप जाते हैं, कंट्रोल प्लस ई जब शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो क्या होता है? देखिए क्या होता है, बहुत सारा फॉन्ट, ये है सिस्टम, इसमें एक फॉन्ट यहां पर है, एक फॉन्ट यहां पर है, एक फॉन्ट यहां पर है, एक यहां पर है, सबको अरेंज करने का, जैसे इसको एक जगह करना है, सेंटर में लाना है, या फिर लेफ्ट या राइट करना है फॉन्ट को, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अच्छा एक प्रश्न और छूट गया भाई, क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है आपका 1929 में भारत के वायसराय कौन थे, 1929 में भारत के वायसराय कौन थे, कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन, इरविन, लॉर्ड इरविन थे 1929 में भारत के वायसराय। लॉर्ड इरविन से संबंधित बात आपको एक और याद रखना है, गांधी इरविन समझौता जो 1931 ईस्वी में हुई थी, गांधी इरविन समझौता, इसी समझौते के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु दिल्ली सॉरी लंदन जाते हैं, ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? याद रखना है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अच्छा यहीं पर सबसे बड़ा पूछ देता, सबसे बड़ा वह है लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आयु सीमा क्या होती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आप लाभान्वित होना चाहते हैं, इसके लिए आयु क्या होती है? आयु जो है 18 से 70 वर्ष है, 18 से 70 वर्ष के बीच आपका आयु होना चाहिए। और यह योजना 2015 में लॉन्च की गई थी, 2015 में लॉन्च की गई थी। इसके अलावा आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि मुगल शासक दे दिए थे 4 नाम, उसको अरेंज करना था, ठीक है, कालक्रम के अनुसार से उसको
अरेंज करना था मुगल शासकों के नाम का। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर सबसे पहले अकबर साहब, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। ये सीक्वेंस में ही है, यहां पर सीक्वेंस में ही है, इसी सीक्वेंस में इसका आंसर भी होगा। अगला प्रश्न, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल प्राइज 2020 किसको दिया गया? तो लुईस गलूप को दिया गया। किसको? लुईस गलूप, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर क्या कहते हैं कि साहित्य का ये हो गया और शांति का नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है, विश्व खाद्य संगठन को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहां लगता है? याद रखना है राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध मेला, जो ऊंट मेला है वहां पर, वह कहां लगता है? पुष्कर में लगता है, पुष्कर में, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। और दुनिया मतलब पूरे इंडिया में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, यहीं पर पुष्कर में। अगला प्रश्न, एक प्रश्न बायोलॉजी से पूछा हुआ था, चार ऑप्शन दिया हुआ था, इनमें से कौन मोलस्का श्रेणी के प्रजाति नहीं है? ये इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका प्रश्न है, प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की स्थापना, मतलब सीक्वेंस में दे दिया गया था राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी और उसकी स्थापना का वर्ष। यहां से आपको क्या याद रखना है, अभी वर्तमान में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, जिनमें सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, और सबसे नया जो कि हाल फिलहाल में बना है एनपीपी। कौन भाई? एनपीपी, ठीक है, एनपीपी अंतिम में, यह 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है वर्तमान में, सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन थे? यह भी बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न, ठीक है। कार्ल लिनियस, इनके लेखक कौन थे? कार्ल लिनियस, ठीक है, कार्ल लिनियस इनके लेखक थे। अगला देख लीजिए, हाँ चलो बहुत बढ़िया। अगला क्या है? साइलेंट वैली, सबसे ज्यादा जीव विविधता यहीं पर पाई जाती है। कहां? साइलेंट वैली कहां स्थित है, किस राज्य में? तो केरल में स्थित है। ये कहां पर? केरल में स्थित है। और भारत में पहली कपास मिल, याद रखना है, अगर पूछे भारत में पहली कपास मिल कब स्थापित किया गया, तो याद रखना है 1818 में। लेकिन पहली कपास मिल जो सफल हुआ वह 1854 ईस्वी में कावस जी डाबर जी नाना के द्वारा मुंबई में स्थापित हुआ था। कहां पर? मुंबई में स्थापित हुआ था। कहां? मुंबई में। यह भी बात आपको याद रखना है, यह भी बात आपको याद रखना। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सबसे लंबा मार्ग, याद रखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, यह दिल्ली है, यह आपका मुंबई है, यह आपका चेन्नई है, और यह आपका कोलकाता है। इन चारों मेट्रो सिटी को जोड़ने के लिए एक सड़क परियोजना लाई गई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यह परियोजना लाई गई थी, ठीक है। और सबसे लंबा जो राजमार्ग इसके अंतर्गत है, सबसे लंबा राजमार्ग जो है वह है आपका कलकत्ता चेन्नई, ठीक है, कलकत्ता चेन्नई, एकदम से आपको याद रखना है कलकत्ता चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? हाईटेक सिटी की फुल फॉर्म, हाईटेक सिटी पूछ दिया था, हाईटेक सिटी आप जानवे करते हैं, हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहा जाता है नहीं, तो हाईटेक सिटी का पूरा नाम पूछा था, फुल फॉर्म पूछा था, हाईटेक मतलब हैदराबाद, आई फॉर इंफॉर्मेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और सी फॉर कंसल्टेंसी सिटी, ठीक है, मतलब हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉरी हैदराबाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपके बायोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है। पावोक्रिस्टस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टस मोर का वैज्ञानिक नाम है। और इसी प्रकार आपको याद रखना है, महानंदा किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। कौन? महानंदा, याद रखना है, ठीक है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है।
और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी गंगा ही बनाती है। अगला प्रश्न क्या है, भोजन के पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है, भोजन के पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है। बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे HCl के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, जो कि HCl जो कि भोजन को पचाने में सबसे महत्वपूर्ण है, भोजन को पचाने में सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, धूमल, धूमल किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, उसमें राज्य का नाम पूछा गया था, किस राज्य का प्रमुख नृत्य है धूमल, धूम मचाले, कहां पर जाके, तो जम्मू कश्मीर में जाके आप धूम मचाइए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का ये क्या था, धूमल नृत्य था, कौन सा नृत्य, अच्छा धूमल किस क्षेत्र का नृत्य, तो जम्मू कश्मीर का नृत्य। ये आपके पहले शिफ्ट का, आज के दिन के पहले शिफ्ट का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, 32-35 क्वेश्चन जो कि 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्टैटिक जीके जीएस और करंट अफेयर्स मिलाकर के, उनमें से 32 क्वेश्चन का हमने कलेक्शन दिया है। अब जो है आपके सेकंड शिफ्ट का कलेक्शन लेकर के आए हैं आपके रोशन सर, ठीक है, इसी पीपीटी में आपको मिल जाएगा वो सारा का सारा, ठीक है। तो आप लोग को मजा आ रहा होगा, ठीक है, और कल के क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा शाम 4 बजे से, मतलब मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे से, ठीक है। गुड इवनिंग फ्रेंड, चलते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड शिफ्ट। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जलमार्ग 5, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा किस नदी से है, तो तलचर से धमरा, तलचर से धमरा के बीच है, और ये किस नदी पर है, तो ब्राह्मणी नदी पर है, कौन सी नदी पर, ब्राह्मणी नदी पर। एक चीज याद रखिएगा आप कि इसमें से आपको चारों नदी का आपको याद रखना है, ट्रिक से ऐसे याद रखिएगा, चारों जलमार्ग ऐसे याद रखिएगा, पहले साधु को कोट में काम है, इससे अगर आपने याद कर लिया तो गारंटी देता हूं चारों जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग का आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। पहला क्या है, प्रयागराज टू हल्दिया, पहला है प्रयागराज टू हल्दिया, और याद रखिएगा ये भारत का सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर का है, किस नदी पर है, गंगा नदी पर है, किस नदी, गंगा और हुगली नदी पर है, और याद रखिएगा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, साधु से सादिया से धुबरी है ये, सादिया टू धुबरी, और याद रखिएगा 891 किलोमीटर है, लेकिन ये किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऐसे याद रखना है, पहले साधु को कोट में काम है, और याद रखिएगा कौन से क्या है, कोटायम से, ठीक ना, और उसके बाद लिखिएगा काकीनारा से मारक्कन, क्या है, काकीनारा से मारक्कन, यानी ये चार आपको याद रखना है, और ये चार आपको याद रखना है, ठीक ना, ये चारों आपको याद रखना है, पहले साधु को कोट में काम है, पहले का क्या है, प्रयागराज टू हल्दिया जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर का है, गंगा नदी पर है, सबसे लंबा है, दूसरा याद रखना है साधु, साधिया टू धुबरी जो 891 किलोमीटर का है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तीसरा याद रखना है कोट्टायम से कोल्लम तक, और ये याद रखिएगा 205 किलोमीटर का है, और याद रखिएगा चौथा है आपका काकीनारा से मारक्कन तक जो 1095 किलोमीटर का है, ये आपसे आपको चारों याद रखना है, और आपसे पूछा गया कि पांचवा का संबंध किससे है, ब्राह्मणी नदी पर है, कि कहां कहां अवस्थित है, तो याद रखना है यह तलचर से धामरा के बीच में है, 623 किलोमीटर का है। दूसरी क्वेश्चन पूछा गया था 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से किसने नेतृत्व किया था, आपको पता होगा अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व किया था कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और इस युद्ध में किसने जीता था, इस युद्ध में जीते थे कौन, तो इस युद्ध में जीते थे रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज की तरफ से, और याद रखना है इस प्लासी के युद्ध में भारतीयों के तरफ से थे सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला की हार की वजह क्या थी, तो सिराजुद्दौला की हार की वजह क्या थी, तो इसके सेनापति मीर जाफर का धोखेबाजी, और याद रखना है ये प्लासी कहां है, तो प्लासी है आपका पश्चिम बंगाल में, और मेरी कल की क्लास, एक पहले मैंने क्लास आपको दे चुका हूं करेंट अफेयर्स का, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई 2020 तक एक पार्ट 2 घंटे का दे चुका हूं टॉपिक बाय टॉपिक, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक वन लाइनर यानी पूरा डीप पढ़ा चुका हूं, उसी प्रकार से मैंने टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 300 क्वेश्चन का संग्रह कल होगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, उसके बाद आपको करेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे पहले वाला मैंने वीडियो बना चुका हूं, क्लियर। दूसरी बात, जल प्रदूषण
निवारण अधिनियम कब लाया गया था, तो याद रखिएगा जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था, तो याद रखना है आपको जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आपको कब आया था, तो आपको याद रखना है यह 1974 में, दो चार याद रखिएगा यहां से, जैसे वायु अधिनियम का याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में, कब आया था 1980 में, ये काफी बार पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण कब आया था, तो पर्यावरण संरक्षण आया था आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। और दूसरी बात याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर यानी प्रोजेक्ट बाघ कब आया था 1973 में मेरे भाई, 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में, कब आया था 1992 में। दूसरी बात याद रखिएगा कि जैव विविधता अधिनियम कब आया था, तो जैव विविधता अधिनियम आया था, जैव विविधता अधिनियम आया था आपका, यह याद रखना है 2002 में, कब आया था 2002 में। एक और आपसे याद रखना है वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण कब आया था, रोकथाम नियंत्रण अधिनियम आया था 1981 में। इतना आपसे अधिनियम पूछा जाता है। तो सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण 1981। आपको पता होगा जो मैं सुबह 9 बजे क्लास देता हूं, आर्ट या करंट अफेयर्स का एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं है, आप जाके पलट के देख लो, 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेगी, आप जाके वहां देख सकते हो, ठीक ना। चलो क्लियर है, वो भी मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कराया हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है। यहां के राज्यपाल है रमेश बैस। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश के आजादी की घोषणा हुआ था, आजादी घोषणा। और याद रखिएगा 50वां स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया 2021 में, इसलिए हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लिए थे। और याद रखिएगा बांग्लादेश का आजादी यानी स्वतंत्र कब हुआ था, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हुआ था 16 दिसंबर 1971, लेकिन घोषणा कब किया गया था 26 मार्च 1971 में। और याद रखिएगा 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, सार्क का मुख्यालय कहां है, काठमांडू। और याद रखना है आपको, मैंने इसके बारे में स्थापना 1985, मैंने इसके बारे में क्या बताया है, इनके देश के बारे में एमबीबीएस पेन, मैंने हर एक देशों के बारे में ट्रिक बता चुका हूं। एमबीबीएस यानी मालदीव, एम से क्या है मालदीव, बी से क्या है, बी से क्या बताया है, और याद रखना है बी से है भूटान, बी से क्या है बांग्लादेश, एस से क्या है श्रीलंका, पी से क्या है पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल। तो कितने देश है, 8 देश, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वह प्राकृतिक आवास जहां जानवर सुरक्षित रहते हैं। आप देख सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह मैंने पढ़ा चुका हूं, तो यह बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक ना, और वन जीव संरक्षण में, ठीक ना। एपीजे अब्दुल कलाम की इसकी दो किताब है, इग्नाइटेड माइंड्स, जो काफी बार पूछा जाता है। दूसरी बात, मैंने आपको किताब का पूरा टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं, जितने भी किताब पुराने हो या नए उनके सारे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, यानी आप वीडियो में डाला हुआ है, इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑन फायर, विंग्स ऑन फायर, इसकी दो महत्वपूर्ण किताब है। मिथेन को क्या बोलते हैं, CH4, प्रोपेन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है इथेन C2H6, उसके बाद क्या होता है प्रोपेन C3H8, उसके बाद क्या होता है ब्यूटेन C4H10, क्लियर। उसके बाद होता है हेप्टेन, उसके बाद होता है हेक्सेन। 1848 से लेकर 1856 के बीच गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, कौन थे लॉर्ड डलहौजी, आप बताइए, ये सब सारे क्वेश्चन मेरा बताया हुआ है कि नहीं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब प्रारंभ हुआ था, 2015 में, यह इंदिरा आवास योजना के तर्ज पर लाया गया, लेकिन इंदिरा आवास योजना 1985-86 में प्रारंभ किया गया था, क्लियर। चलो, विंबलडन किस देश में, आपको पता होगा ये 5 दिन पहले ही बताए थे, सारे फ्रेंच ओपन का पूरा डीप बताए थे, ये घास के मैदान पर खेला जाता है, यह सबसे पुराना होता है। और याद रखिएगा ये लंदन में आयोजित होता है। और 2021 का पुरुष में कौन जीता है, तो पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच, पुरुष एकल कौन जीता है नोवाक जोकोविच सर्बिया की, और महिला एकल कौन जीती है, तो महिला एकल जीती है आपकी, महिला एकल जीती है एस्ले बर्टी, कहां की है ऑस्ट्रेलिया के, ये क्रिकेटर थी लेकिन बाद में टेनिस खिलाड़ी बन गई, बाद में ये क्या बन गए, टेनिस खिलाड़ी, क्लियर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, पेन ड्राइव कब बना था, इसे आईबीएम कंपनी बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और यह 1998 में बना था, और गूगल बना था 1900
और याद रखिएगा गूगल भी 1998 में बना था, ठीक ना। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुआ था, 1975 में। इनके सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा सत्या नडेला, और इसके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक सत्या नडेला। और ये सीईओ कौन है, सत्या नडेला, और याद रखिएगा संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन। कौन है, बिल गेट्स एवं पॉल एलन। कौन है मेरे भाई, बिल गेट्स एवं पॉल एलन। लेकिन इसका सीईओ कौन है, सत्या नडेला। क्लियर। हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना कब हुआ था, 1924 में। कौन किए थे, सचिंद्र सन्याल। कौन किए थे, सचिंद्र सन्याल। कल की क्लास देखना ना भूले मेरे भाई, वह 3 बजे से लेके 6 बजे तक, और पहले वीडियो मैंने वो अपलोडेड कर चुका हूं। 17 जुलाई को ही महामैराथन का क्लास दिया था, वो भी आपको 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक। फिर आप 2 वीडियो देख लो, गारंटी देता हूं फिर आपको 12 में से 10 क्वेश्चन यहां से पूछना 100 to 100%। जैसे सीबीटी 1 में आपको पता होगा मैंने 80% क्वेश्चन आपको टकरा दिया था 6 फेज तक, और आज का भी क्वेश्चन आप जाके देख लो, पलट लो मेरे सारे वीडियो से, गारंटी देता हूं कि वहां से अगर 80% क्वेश्चन नहीं आया तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना गारंटी देता हूं। आप जाके पलट के देख लो, और जो लड़के मुझसे पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा। और अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का स्थापना कब हुआ था, तो 1928 में भगत सिंह किए थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कोवैक्सीन किस कंपनी द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक कहां के है, तो भारत बायोटेक है हैदराबाद में, और कोवैक्सीन तो ये बनाया कोविशील्ड, एस्ट्रोजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर बनाया है। दांडी यात्रा कितनी दूरी तय किया था, लगभग 385 किलोमीटर। आपको गांधी जी का 3 वीडियो अपलोडेड कर चुका हूं, आपको पता है कुल 78 अनुयायी था, और एक गांधी जी मिलाकर दूसरा वेब मिलर मिलाकर टोटल 80 थे, लेकिन कुल कितने भारतीय, तो 78। ये कब प्रारंभ हुआ था, 12 मार्च 1930 को। कितने दिन का यात्रा था, तो याद रखिएगा कुल यात्रा था 24 दिनों का। ये समाप्त कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, नमक कानून को तोड़ना। क्लियर। 100वां संविधान संशोधन 2015। अब देखो ये भी आपको मैंने बताया था, भारत बांग्लादेश के हस्तांतरण, भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। आज तक का क्वेश्चन आपका यहीं तक है, और कल की क्लास, कल की बेला में आप आना ना भूले, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। और वैसे भी मेरा मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है सुबह 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे चलता है आपका, सुबह 9 बजे क्लास चलती है। वह भी आपको अभी पॉलिटी का सेक्शन टॉपिक बाय टॉपिक लगभग में समाप्त होने वाला है, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री 3 दिन चलेगा, और 3 दिन आपका उसमें करंट अफेयर्स। आपको टॉपिक बाय टॉपिक मैंने जो है 17 जुलाई को दे चुका हूं, और ये आपका 24 जुलाई को कल क्लास होगा, वह 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक का करंट अफेयर्स, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक, वह भी सीरियली वाइज। गारंटी देता हूं आप इसे पढ़ लो, आपको 12 में से 10 क्वेश्चन आएगी, अगर नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी चैलेंज के साथ। सीबीटी 1 में भी मैंने आपको वादा किया था, आपको 80% क्वेश्चन टकराया था मेरे भाई। आज के लिए बस इतना ही, कल की बेला में मिलते हैं, कितना बजे, शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, सैटरडे को। आज के लिए बस इतना ही, लव यू मेरे भाई, लव यू। अब एंजॉय करिए रीजनिंग की क्लास आप लोग।